और तुम स्कूटर से कपड़ा निकालो और मेरे मुंह पर फेंक कर मारा चल पेशा भर को चमका क्या कहना अपने सफाई में जल्दी बताओ अंदर जाओ मैं पूरी इनको बैठो मैं पढ़ देता हूँ इससे रिक्वेस्ट कर ली और टेंशन छोड़ दो दिमाग में मकान खाली नहीं करवाएंगे ठीक है जी कोई बात नहीं परेशान हमारे पास तनख्वाह नहीं है हम तो अपना मतलब कि आर्थिक परेशानी से डिपार्टमेंट गलती नहीं है इसे साफ बुलाओ हमने पहले समझा दिया आपके मन लाचार है कि उसको दे दो बेचारे पार्टों को समझा दे उसको अभी अन्य क्षेत्रीय वहां जाके कहते हैं कि जी हमारा क्या करा लिया वहां जाके नहीं सर हमने बात नहीं करनी है मैम खुद ही बोल रही है आपस में ना इस तरह की बात नहीं बात नहीं करी हमने उससे आज तक बात नहीं बात करो नहीं हमने नहीं करी आपने बोला था बात करो तो सेटलमेंट करो वो करी बात जो करने वाली बात थी वो करी हमने कोई बात नहीं कही यहाँ बैठे हम देते बात करने का ये मतलब भाई आपको बोला था आप सेटलमेंट करिए उनसे बात करो उनसे जाके बोला था आपने बात नहीं करी उनसे सामने सुनना पड़ेगा 4 तारीख को 12 बजे देखिए एज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना कहीं ना कहीं पड़ताल ना झेलनी पड़ रही है हमारे सफाई कर्मचारियों को उनके जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनके जो ऊपर के सुपरवाइजर हैं चाहे वे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट में वो जो सफाई कर्मी निचले तबके का है अगर किसी उसकी जाति का चल जाए पता कि फला व्यक्ति शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है दलित समाज का व्यक्ति है तो उसका जीना दुश्वार कर देते हैं अभी जैसे आपने स्वयं कबूल किया इस बात को बहुत सारे केस तो आज ऐसे लगे थे यहाँ पे हेयरिंग पे कि जिनमें कर्मचारी रोए हमारे पास में आके कि जी मुझे अनुसूचित जाति शब्द से इन्होंने संबोधित किया है फिल दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया उसके लिए जैसे ही हमें कंप्लेंट को रिसीव होती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और देखिए अब हमारे लीगल सेल का गठन हो चुका है यहाँ पे अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है उसकी संपूर्ण जाँच करके उन लोगों को जेल में भेजने का काम भी अब सफाई कर्मचारी आयोग करेगा सर आजाद हुए देश को 70 साल से अधिक समय हो गया लेकिन अभी भी लोगों की मेंटेलिटी दलित और श्रमण के प्रति ठीक नहीं है आप इसको अभी तक कैसे देख रहे हैं कि आपने किस तरीके के केसों को अभी तक सुलझाया है देखिए ये तो एक अंडरस्टूड वाली बात है जैसे लोगों ने भी पीछे कहा था कि बेशक चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो वहां पे सारी बातें हुई लेकिन हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पे हैं हमारे राष्ट्रपति जी उनको वहां नहीं बुलाया गया तो ऐसी मेंटली जो आपने सवाल उठाए ये तो बिल्कुल जग जाहिर वाली बात है ऐसा होता आया है तो इसकी रोक और देखिए सबसे बड़ी विडंबना वाली बात है आज जो हमारा रिजर्वेशन होता था उसको भी धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है क्योंकि सरकार का प्लान तो यही बन रहा है कि इनको रिजर्वेशन खत्म अगर करेंगे तो सब लोग सड़कों पर जाएंगे इसलिए धीरे धीरे सारी इन चीज़ों को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है अब देखिए बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है इसमें हमारे जो सफाई कर्मचारियों को अलर्ट होने की आवश्यकता है हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं सबको अलर्ट होने की आवश्यकता है आज के ही न्यूज़पेपर्स हैं ये मेरे पास में इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब MCD को प्राइवेट कर दिया जाएगा साफ साफ लिखा हुआ है न्यूज आई है हमारे पास में सारे मैंने अखबार में देखा है अभी तो उत्तर दिल्ली की बात थी लेकिन आज पूर्वी दिल्ली जो हमारे ईस्ट दिल्ली है उसको भी प्राइवेट कर दिया गया है सारा का सारा प्राइवेट कर दिया गया है उसमें कूड़ा उठाने वाला काम भी प्राइवेट लोग करेंगे उसमें नाले निकालने का काम भी प्राइवेट लोग करेंगे उसमें सड़कों से कूड़ा उठाने वाले जो हमारे महिला कर्मचारी थे वो वाला काम भी प्राइवेट एजेंसी को सौंपा जा रहा है इसमें बहुत सारे जो हमारे कर्मचारी इनको बेरोजगार ये सब लोग हो जाएंगे और सड़कों पर मुझे लग रहा है कि फिर से दोबारा आंदोलन लोग करेंगे क्योंकि देखिए इसमें एक काम और भी है ये घर घर जाके जो कूड़ा ले रहे हैं उसमें जो हमारी महिलाएं कर्मचारी कुछ ऐसी भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रही जिनको कस्टमरी एम्प्लॉय कहा जाता है उनका रोजी रोजगार उनके ऊपर ही डिपेंड है उनके बच्चे उन्हीं से पल रहे हैं बढ़ रहे हैं तो उनके भी रोकथाम लग जाएगी जब ये प्राइवेट कंपनी खुद जाकर कूड़ा उठाएंगी वहाँ से जो हमारे काम कर रहे हैं कर्मचारी ये सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत इसमें ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये काम होने वाला है देखिए डिपार्टमेंट ने जो अपना रूल बना रखा है वो कहते हैं कि हमको एक साल के अंदर एक कैलेंडर में 2 साल के लोगों को पक्का करेंगे तो 20 साल क्यों होंगे इनके ऊपर निगम में क्योंकि कुछ पॉलिटिकल जो विंग बने हुए हैं इनके उनकी भी क्राइमेंस कहीं ना कहीं होती है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन
जैसे अब चुनाव आने शुरू होंगे उसमें थोड़ा बहुत करते हैं, यानी किसी व्यक्ति को चार रोटी के भूखे तो केवल आधा टुकड़ा उसको डाल दिया वहां पे ताकि वो लोग लगे रहे। मतलब वहां पे मैंने कहावत पढ़ी थी, वो सारी की सारी कहावत अब सिद्ध हो रही है पार्टियों द्वारा। जैसे जर्मनी के जो शासक हुए हिटलर, हिटलर ने एक बार अपने जो संसद में एक मुर्गे को लेकर गए थे साथ में, उस मुर्गे के एक एक पंख नोच दिया उन्होंने हिटलर ने, उसके बावजूद मुर्गे को छोड़ दिया और हाथ में बाजरा था उसके पास में। जिस मुर्गे के सारे पंख टूट चुके थे, उधर चुका था, बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन जब थोड़ा डरा ना ना उसके पीछे पीछे चला गया। ये हालत आज हमारे लोगों की हो चुकी है, सबको नोच दिया बुरी तरह से। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन यापन पूरा खपा दिया है 25 साल तक नौकरी के लिए, उसको परमानेंट नहीं किया जा रहा, कब अपने बेटे की रिश्तेदारी करेगा, कब क्या कुछ होगा। और देखिए बड़े दुख के साथ मुझे आज यहाँ कहना पड़ रहा है कि बहुत अब रेयर केसेस हो रहे हैं, लोग पहले से पहले ही एक्सपायर हो रहे हैं इसके अंदर। अभी हमने हियरिंग में देखा होगा, एक कर्मचारी नाला बेलदार था, वो तुरंत जैसे पक्का होने का लेटर मिलने वाला था उस आदमी को, वो जब से एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं मिल पा रही। तो बहुत सारी दुर्घटना, लेकिन अब चूंकि सफाई कर्मचारी आयोग केवल और केवल जो सफाई कर्मचारी ने पूरी दिल्ली में इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनके उत्थान के लिए बना हुआ है, इसमें बिल्कुल बारीकी से काम कर रहे हैं और इसका पूरा का पूरा फायदा जो हमारे सफाई कर्मचारी दलित समाज के लोग हैं उनको मिलेगा। सर जब संविधान के अनुसार जो आरक्षण मिला है जिससे लोग हमारे कुछ तरक्की कर पाए हैं, लेकिन जैसे निजीकरण हो रहा है, जैसे लगातार चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो इससे जो ऊपर अपग्रेड में जा रहे हैं वो फिर डाउन पोजिशन में चले जाएंगे, इससे क्या लगता है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जैसे हमने बताया अभी, निजीकरण करने का मतलब है कि जो हमारे अधिकार है उनका हनन करना। अब देखिए हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिजर्व कोटे से कहीं ना कहीं IRS भी बने, IAS अधिकारी भी हैं इवन, तो कहीं ना कहीं उनको रिजर्वेशन का लाभ मिला। इसमें परेशानी क्या आती है इन लोगों को, वो ही चाहते हैं या देश के जो भी हमारी व्यवस्था है काम कर रही है, वो नहीं चाहते कि हम हमेशा रिजर्वेशन लेके अच्छी अच्छी पोस्टों पर काम कर सकें। सीधी सी बात यही है इसके अंदर। इसमें सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में मोटर कैसे है और तकनीकी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज जो है हमारे समाज के लोग चैम्बर में घुसना क्यों पड़ रहा है, उतनी बड़ी गहराई जहाँ पर गैस का चैम्बर होता है, हाँ, मीथेन गैस, तमाम ऐसे गैस जो है उसमें होता है, उसमें डूब के और जो है मर जाते हैं। देखिए एज पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर टोटली बैन किया हुआ है, बैन किया हुआ है, लेकिन होता क्या है जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनको समय पर जो सैलरी नहीं मिल पाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं मजबूरी में गटर में उतरना पड़ता है। जबकि दिल्ली सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, 200 मशीनें पहले दे चुके हैं। इसमें दिल्ली सरकार का तो अब ये कहना है कि दिल्ली के अंदर कम से कम कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जहाँ पे लोग मैनुअल स्पंजिंग का काम करें, अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उन ठेकेदारों के खिलाफ में और जो ऐसा करवाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी मुझे ऐसा सुनने में आया है कि शायद कुछ मशीनें और ऐसी आने वाली है, और कहीं कहीं क्या होता है कि पूरी जगह नहीं मिल पाती, वहाँ मशीन नहीं जा पाती, तो कुछ ऐसी मशीनों का निर्माण किया जा रहा है कि ताकि छोटे छोटे संकरी जो गलियाँ होती हैं उनमें भी जाके कर्मचारी वो काम कर लेगा और जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे कर्मचारी इस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लग सकेगा। सर अभी बहुत बड़ी जो है लोग आपसे आशा करते हैं, क्योंकि आप जो है जमीनी स्तर के नेता रह चुके हैं, लगातार विधानसभा से लोग सभा तक आप जो है लड़ाई लड़ चुके हैं, क्या क्या जो है आप सोच रहे हैं कि कर्मचारी को सुनने? देखिए सबसे पहले हम तो ये चाहते हैं ना कि जो भी लोग हमारे एक तो बहुत कम लिख पढ़ पाते हैं और किसी कारणवश अगर वो लिख पढ़ पाते हैं तो ना तो उनके पास कोई ऐसा ज़्यादा पैसे होते कहीं रिश्वत दे सकें जैसा देश का माहौल है, या उनके पास ऐसे भी कुछ नहीं होता कि वो कहीं सिफारिश लगा सकें। इसके लिए मैं तो फिर से दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका जो पोर्टल उन्होंने बनाया है, एक पोर्टल पर जो नौकरी देने वाले हैं और जो लेने वाले हैं उन सबको आमंत्रित किया है। हमारे जो भी सुन रहे हैं इस बात को, जो खासकर दलित वर्ग के लोग जो सुन रहे हैं, उसमें कम से कम उन लोगों को वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे सफाई कर्मचारी हम लोग देखते हैं उनको भी हम अपने सेमिनार लगाएंगे, वेबिनार के जरिए भी अपने कर्मचारियों को जागरूक हम लोग करेंगे, बड़े बड़े हॉल बुक कराएंगे, उसमें कर्मचारियों को हम आमंत्रित करेंगे, उनके क्या क्या अधिकार हैं उनको जागरूक करेंगे और उनको जो नौकरी कहीं मिल सकती है बड़े तरीके से, क्योंकि जब तक हमारी इकोनॉमी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, पैसा जेब में नहीं होगा, तो कहाँ से हम लोग पढ़ लिख पाएंगे। तो सबसे पहले उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो भी जिस लायक होगा वो बेशक सफाई कर्मचारी आयोग में आके अपने बारे में बता सकता है, तो उसमें सरकार की तरफ से हम उनसे सिफारिश भी करेंगे तो उनको रोजी रोजगार मिलेगा, तो अपने आप को वो भी इस श्रेणी में पा पाएंगे। जो देश के हम लोग आज़ाद हैं तो अपने आप को एक खुले मन से कह पाएंगे कि वाकई हम भारत देश में रह रहे हैं और जो आज़ाद हिंद देश है हमारा। NCR करंट न्यूज़ को
सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।